मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मेरे जिंदा बेटा था। मेरे कजन ने उसको उसको देखा, उसने गया उसके पीछे, बॉडी के पीछे उसके नील के निशान, नील पड़े हुए थे, नील पड़े हुए थे उसको, वो तशद्दुद हुआ हुआ था उसमें। कर्सन मुझे ये कहा था कि अगर आपने घर जाके बताया तो आपका भी ये हाल होगा। उन्होंने मुझे डराया था बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था घर जाके आपने बताना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में मौजूद हूं, जहां पर एक कारी ने अपने मदरसे में वहशियाना तशद्दुद करके एक बच्चे को मार दिया है। माँ अभी भी सकते में है, बाप दुबई में काम करता है। कारी ने सुबह 7 बजे बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसने छुट्टी की थी और ये उस बच्चे अनस का छोटा भाई है, इसके सामने उसको मारा, इसको भी छड़ियां मारी, इसको भी जख्मी किया। इस बच्चे के सामने उसकी हालत, वो नीम मुर्दा हालत में जो है दौरे की हालत में गया, तो उस कारी ने पांव बांध दिए और कहा कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, लिहाजा इसको कुछ जूती वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज जो है वो सुंघाते हैं। ये बच्चा सारा मामला अपनी आंखों के सामने देख रहा था, वो जिस बच्चे को इन्होंने मारा है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक वो बच्चा मदरसे में ही रहा, मदरसे के पिछले एक स्टोर में उसको ले गए, पांव पे हाथों पे जो है वो मालिश करते रहे और अंदर ही उसको ड्रिप लगा दी, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। इनके मुताबिक उसके बाद उसने 1 बजे कॉल की इनके वालिद साहब, वालिद साहब पाकिस्तानी होते हैं, ये दुबई होते हैं, इनको कॉल करके पूछ रहा है जी भट साहब क्या हाल है आपका, ठीक है, काम शाम आपका सही जा रहा है, वो मैंने आपके बच्चे को 2 छड़ियां सी जरा मार दी थी, जरा उसकी तबीयत खराब है, गनूदगी में है। ये परेशान हो गए, इन्होंने कहा कि ये क्या मामला है, आपने क्यों मारा उसको, तो उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, वो गनूदगी में है, ठीक हो जाएगा। इन्होंने इजी हो गए, कॉल बंद कर दी। शाम 5 बजे असर के वक्त इन्होंने दोबारा कॉल की और बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की, जिसपे उसने कहा कि नहीं अभी भी उसको होश नहीं आ रहा, बस वैसे तो वो ठीक है, आप बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी ना ले। जिस पर ये तैश में आ गए, इन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से असर का वक्त हो गया है और अभी तक तुम इसको किसी हॉस्पिटल में ही नहीं लेकर गए। जिस पर उसने कहा कि असर की नमाज में नमाजी और मोहल्लेदार आ रहे हैं, लिहाजा अभी ऐसे ही बात फैलेगी तो जैसे ये जाएंगे तो इनको मैं भेज दूंगा। कारी ने उस बच्चे को मस्जिद के 2 नामालूम अफराद के साथ करीबी अताई डॉक्टर के पास भेज दिया, उसने उसको गंगाराम रेफर कर दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, वो उसको गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए हैं। मीनवाइल जो है इन्होंने पीछे अपनी बेगम को कॉल की है कि इस तरह से बच्चे के साथ वाकया हुआ है, मदरसे में जाओ और जाकर उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। इतनी देर में वो लेकर जा चुका था, पीछे से इन्होंने 15 पर कॉल कर दी और वहां पर इनके मुताबिक डॉक्टर ने उसको देखते साथ कहा कि इसके बचने के सिर्फ 2 से 3% चांसेस हैं। उसके बाद उस बच्चे का हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इन्होंने जो एक्सरे करवाए हैं उसमें उसकी 3 पसलियां टूटी हुई हैं बच्चे की और उसकी वेंस फट गई हैं दिमाग की। उसने पता नहीं कहां कहां मारा होगा और किस किस जगह पर उसको उसने जो है इस वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया होगा। FIR की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब बच्चा जिंदा था ये तब FIR हुई थी, 324 का एक दामे कत्ल की दफात इसमें लगी है, लेकिन बच्चा अब इस दारे फानी से कूच कर गया। अब पुलिस को चाहिए कि इसको 302 में जो है वो कन्वर्ट कर दे। जबकि पुलिस से बात की है तो पुलिस कहती है कि अभी बच्चे का मेडिकल मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा इस पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी किस्म का कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। ये हुआ क्या मेरे साथ, मैंने तो बच्चा बड़ा सही सलामत इसको दिया था, ये तो मुझे मुतमिन कर रहा था आपके बच्चे के साथ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा पढ़ रहा था, हर साल वो बेचारा 97-98% मार्क्स ले रहा है, 2-2.5 साल हो गए उसको। कितने सपारे हिफ्ज किए थे उसने? माशाल्लाह 22 सपारे कर लिए थे और अपनी आमीन की तैयारी कर रहा था कि मेरी आमीन करवानी है, आपने आके बाबा मैं आपके आप मेरे पीछे तरावियाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये मेरे साथ वो प्लान कर रहा है, हमने वो प्लान किया हुआ था आमीन का। छोटा बच्चा भी हिफ्ज कर रहा था वहीं? ये अभी 3 माह से जा रहा है उधर, इसका अभी दूसरे पारे पे था। जब आपने असर के वक्त उसको कॉल की है वो क्या मामला था? सर वो कह रहा है कि मैं अभी इसको लेके जाता हूँ, फिर वो अभी भी असर के टाइम भी बड़ी रूटीन में बात कर रहा है मेरे साथ, ये जरा नमाजी जाते हैं ना तो फिर जाता हूँ, वो हमने इसको ना प्राइवेट लेके जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। मैं क्या, वो क्यों नहीं, अभी जालिम है अभी भी उसको रख के बैठे हुए। 7 बजे से लेकर असर तक 9 घंटे 10 घंटे रख लिया जी। उसको ले जाते कोई, उसकी कोई
जानवर हो जाता, कोई अद्वियात उसको दी जाती? जी जी बिल्कुल हो जाना था, डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर कह रहे थे ये पहले आ जाता तो हमने बड़ा अच्छा कवर कर लेना था। तो फोन पे और मजीद गुफ्तगु क्या हुई? फोन पे उसके साथ मेरी ये बात हुई है, कहता है कि आपके बच्चे को थोड़ा सा कोई लग रहा है मुझे कि मिर्गी का दौड़ा है या इस तरह का कुछ है, आज तक उसके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्टिव था, वो बिल्कुल एक्टिव था, कोई मेडिकली उसको हमने कभी ऐसा चेकअप या कहीं लेके भी नहीं गए। तो जिन लोगों ने उसको गुस्ल दिया आप खुद भी शामिल थे उसमें? मेरे कजन ने उसको उसको देखा, उसने कहा उसके पीछे बॉडी के पीछे उसके नील के निशान, नील पड़े हुए थे, नील पड़े हुए थे उसको, वो तशद्दुद हुआ था उसमें। और हमें वो डॉक्टर ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है, इसकी तीन पसलियां 6, 7, 8 समथिंग नाम भी बता रहा था कि वो टूटी हुई थी। जब ये हमारे पास हमने रिसीव किया इसको, इस टाइम इसका माइंड दिमाग जो है वो खत्म 99% खत्म हो गया हुआ था, उसके अंदर क्लाउड जमा हो गए थे बिल्कुल, जो खून के लोतरे जमा हुए। ये जो भाई है इसका छोटा, ये भी हिफ्ज कर रहा है, तो इसकी धुंधली याद में इसका भाई इसकी आंखों के सामने गया है, बड़ा होगा तो ये कभी अपने बच्चों को या अपने किसी दोस्त को तलकीन करेगा कि मदरसे में जाए? इसने क्या करनी है, अब मैं ही खुद लोगों को सब कह रहा हूँ कि इन जालिमों के हाथ में अपने बच्चे ना दो, हाथ थोड़े जोड़ रहा हूँ, मासूम से बच्चे इनके हवाले करते हैं और ये बाद में हमें कत्ल कर मार के कत्ल करके हमें पकड़ा देते हैं, ऐसे जालिम इंसान है। आला हुकाम से, कुछ वज़ीरे आज़म पाकिस्तान से या चीफ जस्टिस से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं? चीफ जस्टिस से, सीएम साहब से, आपकी मेहरबानी है, बड़ा इंसाफ पसंद बंदे हैं हमारे साथ, हमारे ऊपर रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं और 302 में इस कारी को सजा दिलवाएं। बहन आप कुछ कहना चाहेंगी इदारों से, आला हुकाम से, आपकी आवाज हम वहां तक पहुंचा रहे हैं तो आप कह सकती हैं? मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मेरे जिंदा बेटा था। इन्होंने इंटरव्यू से पहले, इनके हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि उसने इस छोटे बच्चे को ये भी कहा कि अगर घर जाके तुमने अपने वालदा को ये बात बताई तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा, ये जो तुम्हारे भाई का हुआ है। आपके सामने ये सारा मामला हुआ, किस चीज से मारा था उसने? उन्हें सोटी से मारा था उसको, मुझे भी मारा था उन्होंने। घर से मुझे ये कहा था अगर आपने घर जाके बताया तो आपका भी ये हाल होगा, उन्होंने मुझे डराया था बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था घर जाके आपने बताना नहीं है। कहाँ मारता रहा वो? वो हाथ पे मारा, उसके बाद उस बेहोश हो गया, उसके बाद अंदर ले चले गए, अंदर भी उन्होंने उसको मारा। कितनी देर मारते रहे? 10-15 मिनट उसकी चीखों की आवाजें आती रही थी। और चीखों की आवाजें आती रही? अंदर से उन्होंने कुंडी लगाई थी, अंदर ले गए थे कमरे में, तो हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, यहाँ फिर हम बाहर निकल पाए, दोनों तरफ से दरवाजा बंद था, हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की भी। देखिए क्यामत क्यों नहीं आई, वो बच्चा जब ये बातें अपने माँ बाप को बताता होगा तो इनके दिल पर क्या, बतौर वालदैन आप समझ सकते हैं, ये दिल नहीं करता इस तरह की जो है वो स्टोरीज करने के लिए, लेकिन इंसाफ के ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए ये जब तक ये मतलब मामला ना किए जाएं, ना दिखाए जाएं, तो इंसाफ मिलता ही नहीं है किसी गरीब को। इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।